माँ जी, मेरा तबीयत बहुत खराब लग रही है। मेरे से कोई काम भी नहीं हो पा रही है। बहुत कमर दुख रही है माँ जी। ओ ओ, तो मैं क्या करूँ? घर के सारे काम कौन करेगा? तेरे बाप ने क्या कोई नौकर भेज दिया है? शादी के 6 महीने हो गए हैं, पर अभी तक तेरे बाप ने कोई भी दहेज नहीं दिया है। माँ जी, इस बार खेती अच्छे से नहीं हुआ है। मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तेरे बाप के पास पैसे है या नहीं है उससे मेरे क्या? शादी से पहले मुझे बोलते तो मैं ये शादी कभी नहीं करवाती। कितने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ता आ रहा था। ऐसा मत बोलिए माँ जी, अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और रवि भी ठीक ठाक कमा लेता है। हम लोगों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या बोली तू? ये बोलकर बीना मोनिका को मारने के लिए लाठी उठाते हैं और तभी मोनिका का भाई उधर आ जाता है। अरे दीदी, आप कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? आ गया तुम्हारा भाई। अब उसे पूछो शादी का दहेज कब देगा। आंटी जी, आप कुछ दिन रुक जाइए, पापा जुगाड़ कर रहे हैं। सारा दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसा जोड़ने के लिए। भाई, पापा ठीक है ना? मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरे दहेज जल्दी चाहिए मुझे। अपनी दीदी को वरना ले जाना। ये बोलकर बीना वहाँ से चली जाती है और मोनिका रो पड़ती है। ये सब देखकर मोहित को सब समझ आ जाता है कि क्या क्या बीत रही है उसकी दीदी के ऊपर। वो वहाँ से चुपचाप चला आता है और मोहित मन ही मन जिद पकड़ लेता है। खूब मेहनत करके जल्दी से दीदी की ससुराल का दहेज दे आएंगे। रवि, रवि, जरा जल्दी आना। क्या हुआ, क्या है? मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। तभी वहाँ बीना आ जाती है और बोलती है कि इस समय ये सब होता है तो माँ बनने जा रही हो, थोड़ी तकलीफ तो होगी। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? फालतू की पैसा खर्चा होगा। माँ जब बोल रही है तो ठीक ही होगा। तुम थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगी। और ऊपर से तुम्हारे पापा ने कोई पैसा भी नहीं दिया है मुझे। मोनिका दर्द से रो रही थी और सोच रही थी कि शादी क्यों किया, इससे अच्छी तो वो अपने माँ बाप के पास ही थी। और उधर मोहित सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता था। अब कुछ दिनों के अंदर अंदर पूरे पैसे का इंतजाम कर लूंगा और दीदी को ससुराल से लेकर आ जाऊंगा। मोहित बेटा, तुम इतना गुस्सा मत करो, शादी के बाद ससुराल ये सब होता है। तो क्या मैं दीदी को उधर मरने के लिए छोड़ दूं? ये बोलकर मोहित गुस्से से वहां से चला गया। दिन बीतते गए। मोनिका अब 7 महीने की गर्भवती थी। उसके साथ साथ बहुत तकलीफ भी बढ़ती गई। एक दिन सुबह उठ के उसकी सास बीना आकर बोली, ओ महारानी, अभी भी सो रही हो? घर का काम काज कौन करेगा? मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? सारा काम क्या मेरे से ही करवाओगी? माँ जी, कल रात सो नहीं पाई, बुखार था, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, इसीलिए उठने में थोड़ा देर हो गई। रोज का नाटक तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा। जाओ सारा काम कर लो, मैं थोड़ा बाजार से आ रही हूँ। अच्छा माँ जी। मोनिका, मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे काम के लिए देर हो रहा है। हाँ, मैं अभी करती हूँ। ये बोलकर मोनिका जल्दी जल्दी किचन में जाने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर गए। आह, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, रवि, माँ जी।
उसी वक्त वो बेहोश हो गई। अरे ये कैसे हुआ, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। रवि ने मोनिका को हॉस्पिटल लेकर गए और उसके साथ ही साथ सभी को खबर भी कर दिया। क्या हुआ मेरी दीदी को, इस टाइम पे उनसे आप लोग काम करवाते हैं? मैं तो आप लोग का पैसा लेकर आ ही रहा था और ये सब। मोहित तुम गलत समझ रहे हो। ओहो, दीदी की इतनी चिंता है तो अपने साथ मायके क्यों नहीं लेकर जाती हो? हम क्या उसके नौकर हैं? सुनिए, मोनिका भी ठीक है पर क्या हुआ डॉक्टर? उसका बच्चा नहीं रहा, गिर जाने के वजह से बहुत खून बाहर गया है, इसलिए उसे हम बचा नहीं पाए। ये सुनकर रवि रो पड़ा और खुद को कोसने लगा। क्यों उसने जल्दी जल्दी खाना देने के लिए बोला? और उधर बीना को मन ही मन बुरा लग रहा था। वही ना, आप लोगों को शांति, ये लीजिए दहेज, रखिए अपने पास, मैं आज ही मेरी दीदी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में ये सब सुनकर मोनिका बहुत ही टूट जाती है। बच्चे के मर जाने के गम से उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। धीरे धीरे वो खुद एक बच्चे की तरह हो जाती है।